हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे परसेंटेज की। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि परसेंटेज जो टाइटल है, परसेंटेज टॉपिक है, उसी से हमें उसका मीनिंग निकल के मिलता है। जैसे फर्स्ट वर्ड है पर, PER, पर मतलब प्रति, और सेन मतलब CENT, सेंट। सेंट मतलब होता है 100। आपने देखा होगा ना, क्रिकेट में जनरली क्या बोलते हैं, सेंचुरी। सेंचुरी मतलब 100। तो प्रति 100 के ऊपर जो हम वैल्यू निकालते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, परसेंटेज। परसेंटेज आपको बहुत जगह पे यूज होते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, आपके स्कूल के जो रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट में आपके परसेंटेज आते हैं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर CI, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, मिक्स फ्रैक्शंस हो गए, पार्टनरशिप हो गया। तो इन सारी जगह पे मतलब आपको डेली लाइफ में परसेंटेज का यूज है। तो इसके लिए आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ ताकि आपको परसेंटेज के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। जब आपको परसेंटेज की बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में निकालना। हम स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स दूंगी। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में निकालना, जैसे आपके पास है फ्रैक्शंस में फाइंड आउट कर रहे हैं हम पहले फ्रैक्शन में, ठीक है। जैसे आपको बोला कि 50% कितना होता है, सिर्फ हमने क्या अभी कोई वैल्यू नहीं दी, कुछ नहीं, सिर्फ 50% कितना होता है। तो 50% कितना होगा, 50/100। 0 से 0 कैंसिल, 5 1 5 2 0। तो 50% कितना होता है, 1/2। ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाए 75% कितना होगा, तो 75% कितना होगा, 75/100। 5 की टेबल से 5 1 5 5 25, 5 2 0, फिर 5 3 15 और 5 4 20। तो 75% का सिर्फ फ्रैक्शन की अभी हम बात कर रहे हैं, तो 75% का फ्रैक्शन कितना होगा, 3/4। और 30% का फ्रैक्शन कितना होगा, तो 30/100। 0 से 0 कितना आ जाएगा, 3/10। ऐसे हम और देख लेते हैं एक दो नंबर। 45% का फ्रैक्शन, 45% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 45/100। 5 9 45, 5 2 0। आगे और कैंसिल नहीं हो रहे तो कितना हो जाएगा फ्रैक्शन में, 9/20। ऐसे ही आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे 25% किसी भी, अभी जब कुछ नहीं है तो 100 से ही निकालना है, तो 25/100। तो 25 1 25 4 0, तो कितना आ गया, 1/4। ऐसे आप कोई भी और कोई भी नंबर ले सकते हैं और उनके क्या है, परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर सिर्फ अभी हमें सिर्फ फ्रैक्शन में बताना है कि इतना परसेंट दे दिया तो कितना, तो ऑटोमेटिक आपको क्या 100 से निकालना होगा। अब ये तो नॉर्मल थे कि आपने फ्रैक्शन में निकाल दिए, अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन दिया हो तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। पहले मैं एक प्रोसेस के साथ बता देती हूँ, उसके बाद डायरेक्ट करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट्स फ्रैक्शन, जिससे आपके पास है 6 2/3। तो सिंपली हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आएगा उसको प्लस कर देंगे। तो 6 3 18, 18 + 2 20, 20/3। अब क्योंकि ये परसेंटेज में, मैं अभी आपको परसेंटेज में बता रही हूँ, तो इनटू क्या कर देंगे, 100। तो सिंपली क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2 5 0, इसका फ्रैक्शन क्या आएगा, 1/15। एक और नंबर ले लेते हैं, 16 2/3। तो
थ्री जा और फिर प्लस टू, तो कितना आ जाएगा 48 प्लस टू 50 बाय 3, इसमें इंटू 100 कर देंगे, फिर कैंसिल कर देंगे, 5 वन जा 5 टू जा, तो कितना आ जाएगा 1/3 2 जा 6। ऐसे आपको क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करना है। अब हम क्या करेंगे, ये तो आपके मिक्स फ्रैक्शन को कैसे कैलकुलेट करना है, जनरली ये सिखा दिया जाता है, बट फिर भी प्रैक्टिस के लिए हम ले लेते हैं। अब फ्रैक्शन चेंज इनटू परसेंटेज, अभी हमारे पास क्या होंगे, सिर्फ फ्रैक्शन है, आपको उसको क्या करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। फ्रैक्शन चेंज इनटू परसेंटेज, जैसे आपके पास दे दिया 1/10, तो आपको सिंपली क्या करना है, इसमें इंटू 100 लगाना है। ये सिर्फ फ्रैक्शन दिया, इसको हम क्या कर रहे हैं, परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा, क्योंकि हमें परसेंटेज में लाना है। तो 0 से 0 तो कितना आ जाएगा इसका 10%। ऐसे आपके पास 3/4 फ्रैक्शन आपको ये क्वेश्चन दिया है, अब आपको इसको क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली 100 लगा देंगे, 4 1 जा 4 25 जा 100, और 25 3 जा कितना हो जाएगा 75%। अब ऐसे आपको दे दिया 1/5, तो 1/5 × 100 कर देंगे हम, 5 1 जा 5 2 जा 0, तो कितना आ गया 20%। ऐसे आपको 1/6, इस टाइप के क्वेश्चन जो नंबर्स मैं ले रही हूँ वो जनरली क्या होते हैं, एग्जाम में पूछते हैं 25%, 10%, 75%, तो इसको आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, 100/6, इसको आप जब डिवाइड करेंगे, सिंपली जो डिवाइड करते हैं 100 और यहाँ पे 6, तो ये कितना आंसर आएगा 16 2/3, रिमाइंडर बचेगा, तो ये फ्रैक्शन में आपका आंसर आएगा। तो ये क्या हो गया, फ्रैक्शन चेंज इनटू परसेंटेज। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं जिसको हम एक्चुअल परसेंटेज में सॉल्व करते हैं, जो है आपका मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्या है, मल्टीप्लिकेशन मेथड। जैसे आपसे पूछ लिया, डेली लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा आता है, जैसे 20% of 100, 100 का 20% कितना होता है, तो सिंपल कितना है 20, कितना आया 20, कैसे निकाला, 20/100 × 100, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया 20। अगर कोई भी नंबर है 25/100 है, जो नंबर पूछा जाए तो उसका अगर 100 से परसेंटेज निकालना है तो नंबर क्या होगा, सेम होगा। जैसे मान लो 65% of 100 कितना होगा 65, 35% of 100 कितना होगा 35, ऐसे 75% of 100 तो कितना होगा 75। ये तो हो गई 100 की बात। अगर 100 से ऊपर पूछ लिया जाए, जैसे आपके एग्जाम होते हैं तो 5 सब्जेक्ट है, तो 5 सब्जेक्ट 100 मार्क्स के हैं, तो टोटल कितना हो गया 500, 500 से मान लो आपने 480 के, 480 मतलब आपके मार्क्स आए, तो कितने परसेंटेज आएंगे। तो पहले तो हम कुछ नंबर ले लेते हैं, जैसे आपको 60% of 200, 60% of 200 तो क्या करेंगे 60/100, परसेंटेज लगा है, परसेंटेज का मतलब 100, 60/100 × 200, तो 0 से 0, 0 से 0, 6 2 जा 2 है, तो कितना आ गया 120। ऐसे आप कुछ और नंबर ले लीजिए, जैसे ले लिया हमने 70% of 80, मतलब 80 का 70% कितना होगा, तो सिंपली 70/100 × 80, 10 से 10, 10 से 10, 7 8 जा
56, क्या आंसर आ गया? 56। ऐसे कुछ भी, अभी तो ये मैं जीरो के फॉर्म में ले रही हूं, ऐसा भी आ सकता है आपको 24% ऑफ 200। तो आप क्या करेंगे, 24 अपॉन 100 इंटू 200, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 24, 4 टू जा 8, 2 टू जा 4, तो कितना आ गया आपका 48। ऐसे आपसे पूछा 3% ऑफ 60, 60 का 3% कितना होगा, तो 3 अपॉन 100 इंटू 60, जीरो से जीरो गया, 6 थ्री जा 18, 18 अपॉन 10 कितना आ जाएगा 1.8, कितना आ गया 1.8। तो ये आपकी मल्टीप्लिकेशन मेथड है। अभी आपके पास एग्जाम में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन दे देते हैं कि 40% ऑफ 28, 40% ऑफ 28 निकालना है, तो आप क्या करेंगे 40 अपॉन 100 इंटू 28, ठीक है, तो जीरो से जीरो गया, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, 4 8 जा 32, 2 3 4 2 जा 8, 9 10 11, 11 अपॉन 10 था, तो एक नंबर बाद हमने क्या किया, पॉइंट लगा दिया, आ गया आपका आंसर। ऐसे मतलब कुछ इस टाइप के क्वेश्चन देते हैं जिसका मतलब जरूरी नहीं है कि ये आपके टेंसेस जीरो के फॉर्म में हो, नंबर के भी फॉर्म में हो, तो अभी आप क्या कर सकते हैं, इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे 33% ऑफ 40, 33% ऑफ 40 कितना होगा, तो हम क्या करेंगे 33 अपॉन 100 इंटू 40, जीरो से जीरो गया, 4 3 जा 12, 1 4 3 जा 12 13, और एक नंबर बाद पॉइंट, तो ये कितना आ गया आपका 13.2। इस टाइप से आप सारे क्वेश्चन इसके कर सकते हैं, परसेंटेज खुद में बहुत इजी है, लेकिन सिर्फ क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करते इसलिए हमको क्या बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो आप क्वेश्चंस को ट्राई करें, प्रैक्टिस करें, जिस चीज को आप बार बार देखते हैं वो आपके माइंड में सेट हो जाता है, और आप उसी चीज को नहीं देखेंगे तो वो आपके आप धीरे धीरे भूलने लगेंगे, तो परसेंटेज को प्रैक्टिस में लाइए, डेली डेली लाइफ में आपके यूज होता है, तो ऐसे इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और भी बहुत सारी ट्रिक है परसेंटेज की जो क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो अभी बहुत लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो को फॉलो करें। थैंक यू व्यूअर्स।